हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसे आप लोगों को पता है, कुछ एपिसोड से जो है हम लोग शेक द आर्ट वाला इवेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड वहाँ पे हम लोग का जो एम था टॉप 1 पे पहुँचने के लिए वो जारी रख रहे थे, पर बहुत सारा ऐसा है कि मतलब कुछ बैटल्स जीत रहे थे, कुछ बैटल्स हार रहे थे, पर जैसे तैसे हम लोग टॉप 5 में अराउंड लास्ट एपिसोड में अराउंड 65 पे पहुँचे थे। तो आज भी हम लोग वही बैटल जारी रखने वाले एंड कोशिश करने वाले जितना हो सके मैचेस को जीत के आगे बढ़ने के लिए। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो अभी देख ही लेते हैं भाई हम कर क्या सकते हैं। सो हियर वी गो। लोग मेरे साथ चीटिंग करते। ओके, हम ये वाला लेके जाएंगे। सो अभी देखते हैं, अभी मजा आएगा ना। अभी रूल, लेट्स सी हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, ओपोनेंट कैसा आता है, क्योंकि ओपोनेंट काफ़ी ओपी वाला डाइनो लेके आ रहे हैं। सो हमारे लिए जो बैटल है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सो फिर भी हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए ऑप्शन नहीं है, तो हमें तो पॉइंट्स को फ़िलहाल तो पॉइंट्स को होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम अपना जो है ग्रास टाइप को अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बेट बनाते हैं एंड देख लेते हैं कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। तो इसने एक फटके मारते हुए मेरा राइनो तो मरेगा नहीं, इतना तो मैं जानती थी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी भी अपना जो पॉइंट्स है उसको होल्ड ही करेंगे, अभी भी फ़िलहाल के लिए मारेंगे नहीं। इसने पॉइंट को फिर से होल्ड कर दिया था, मुझे लगा था ये मारेगा बोल के, पर इसने मारा नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो लेट्स सी अभी ये करता क्या है। इसने तीन फटके मारते हुए जो मेरा फर्स्ट डाइनो है उसको डाउन कर दिया है। गुड वर्क, एक्सलेंट वर्क मैन भाई, इसने काफ़ी अच्छा ये कर दिया। चलो ठीक है, हम भी डाइनो को स्वाइप करते हैं। अभी इसके पास एक भी ये है नहीं, तो हम एक फटके मारते हुए चार को होल्ड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इसका जो डाइनो है वो डाउन हो चुका है। सेकेंड है इसका ग्रास टाइप, इसका ग्रास टाइप शायद मेरी पे भारी पड़ सकता है, पर तीन फटके से तो शायद मरूंगी नहीं, जिस होप करते कि मरे नहीं, क्योंकि अगर मर गया तो मेरा पेटी बन जाएगा। सो फिर भी कोशिश तो ज़रूर करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर इसने दो फटके मारते हुए, चलो भाई ये कर लो तुम पहले, दो फटके मारा तो शायद इसने एक पॉइंट को शील्ड में लगा दी होगी। सो हम यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 एंड यहाँ पे हम लोग चार पॉइंट्स को, तीन पॉइंट को होल्ड करते हुए चार फटके मारते हैं। चार फटके में ही तीन फटके लगे एंड इसका जो डाइनो है वो डाउन हो चुका है। अब इसका आखिरी एक डाइनो बचा है, स्टिल मेरे पास दो डाइनो है, तो यहाँ पे जो मैचेस है जीतने का, मैच है जो जीतने का काफ़ी चांसेस है। तो यहाँ पे इसने दो फटके मारते हुए मेरा डाइनो को, मेरा डाइनो का पेटी बना दिया। एंड यहाँ पे हमारे पास 7 पॉइंट्स है, तो ब्रो यू आर गॉन। एंड यहाँ पे जो इसका आखिरी डाइनो है उसको भी डाउन कर ही देते हैं। एंड जो इसका आखिरी डाइनो है वो डाउन हो चुका है। एंड यहाँ पे जो है हम लोग बैटल जीत चुके हैं, अभी बस ये देखना है हम लोग कितना आगे पहुँचते। सो लेट्स सी अभी यहाँ पे जो है हम लोग 65 से 61 पे पहुँचे। वाह, एक्सेलेंट वर्क मैन, इतना आगे मतलब कैसे कैसे मजा करता है। लास्ट में जो हमें हर टाइम ऐसे ही होता है। सो हम इसमें तो और एक बैटल लेके देख लेते हैं, अभी देखते हैं हम लेके जाए क्या। सो दिस वन एंड दिस वन, हियर वी गो, लेट्स गो मैन। अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। इसका डाइनो इसने कुछ ज़्यादा ही मतलब ओपी तो डाइनो लेके नहीं आया, फिर भी हम लोग जो है बैटल शायद निकल पाएंगे। सो फिलहाल के लिए पॉइंट को होल्ड कर लेते एंड देख लेते कि यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं। सो लेट्स सी, इसके पास दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट करेगा क्या? दो पॉइंट से शायद मरूंगी तो नहीं, पर इसने एक फटके मारते हुए यहाँ पे बाय। चलो ठीक है, तूने एक फटके मार दिए तो मैं भी दो फटके शील्ड में लगाई हो। सो हम तीन फटके मारते हुए जो इसका डाइनो है उसको डाउन कर ही देते, पर इसने लकीली इसने पॉइंट को शील्ड में नहीं कहते शायद होल्ड किया हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छा मूव था। फिर भी देख लेते कि हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं। एंड यहाँ पर अभी इसके पास 3 पॉइंट्स है, तो ये 3 पॉइंट्स करता क्या है, लेट्स सी। ओके, अभी मजा आएगा ना बिरू, तो देख लेते हैं यहाँ पे ये करता क्या है। तीन फटके मारते हुए इसका नाकाम कोशिश इसने जारी की, पर हो नहीं पाया, तो हम एक पॉइंट को होल्ड करते हुए दो फटके से इसका जो डाइनो है उसको डाउन कर ही देते। एंड अभी इसका आखिरी डाइनो बचा है, स्टिल हमारा तीन ही डाइनो जिंदा है। सो हम बहुत आसानी से जो है बैटल को निकाल पाएंगे, मुझे वैसा लग रहा है। तो अभी देखते हैं, इसके पास 3 पॉइंट है, तो ये 3 पॉइंट करता क्या है। शायद ये तीन फटके मारते हुए जो है मेरा डाइनो, फर्स्ट डाइनो को डाउन कर दिया इसने, पर अभी हमारा सेकेंड डाइनो है, सो इसके पास पॉइंट एक भी नहीं है। सो ये आराम
आसानी से हम जो है पांच फटके मार के जो इसका आखिरी डायनो है उसको डाउन कर दिया। एंड यहाँ पे हम लोग वापस से बैटल जीत चुके हैं। सो देखते हैं अभी हम लोग कितने आगे बढ़ते हैं। फिर से कोड 19 भाई, ये कोड 19 आते हैं ये लगता है क्योंकि ये पनौती होता है। ये कोड 19 आने के बाद ही बाद में जाके मैं बैटल हार जाता हूँ। हम लोग 61 से 59 पहुँचे। वाह ग्रेट वर्क मैन, एक्सेलेंट। ये कर लो भाई तुम पहले, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ पे पहुँचे तो कैसा लगता है। सो ये सही है, हम कोड 19 को देख लेते हैं पहले। एंड यहाँ पे जो है और एक बैटल ले लेते हैं एंड देख लेते कि ये बैटल में हम कर क्या सकते हैं। सो लेट्स गो एंड हियर वी गो। हमारा फिलहाल डाइनो ठीक ठाक है एंड फाइनल जो डाइनो है, जो फाइनल डाइनो है वो काफ़ी ओपी है। सो देख लेते कि अभी हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे। सो हम ग्रास टाइप को फिलहाल के लिए बेट बना लेते हैं एंड देख लेते कि हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं। तो फिलहाल के लिए पॉइंट्स को होल्ड करेंगे एंड देखेंगे ओपोनेंट करता क्या है। इसका दो फटके से तो शायद नहीं मरूंगी, पर बोल नहीं सकते क्योंकि कभी कभी कुछ भी हो जाता है गेम पे। यहाँ पे तो उसने दो फटके मार ही दी पर मेरा डाइनो जो है वो गया नहीं। सो इसके पास 13 है तो शायद मेरा जो ये है 3 अटैक से ये तो पेट, इसका तो पेटी बन ही जाएगा। ले आ गया स्वाद और मज़े लेने थे तो गजब बेजत स्टार्टिंग से मारने लगे। पर मेरा डाइनो ने उसका डाइनो तो डाउन हो चुका है। अब इसका कार्निवरस आया जिस जो मेरा हार्वीवरस के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। सो फिर भी देख लेते कि ये करता क्या है यहाँ पे। अभी इसके पास दो पॉइंट है, शायद एक फटके मार के इसने एक फटके को शील्ड में दिया होगा या इसने पॉइंट को होल्ड किया होगा। सो यहाँ पे हम भी कम है क्या। सो यहाँ पे हम तीन फटके मारते हैं, अगर इसने शील्ड में दिया तो सही है, नहीं दिया है तो फिर भी इसका जो सेकेंड डाइनो है वो डाउन हो चुका है। अभी इसके पास आखिरी एक डाइनो बचा है एंड मेरे पास स्टिल टू मोर डाइनोस टू गो। तो हम लोग ये जो बैटल है आसानी से जीत गए। अभी ऑलरेडी हम लोग बैटल जीत चुके हैं। जब मैं लो लेवल का डाइनो लेके जाता हूँ वो लोग बहुत अच्छा लेवल का डाइनो लेके आते हैं एंड जब हम लोग अच्छे लेवल का डाइनो लेके जाते हैं इन लोग यहाँ पे ऐसा डाइनो लेके आते हैं, क्या ही बोले भाई, गजब सा स्वाइक है। एंड यहाँ पे जो है इसका जो आखिरी डाइनो है वो भी उसका भी पेटी बन गया एंड यहाँ पे जो है हम लोग बैटल जीत चुके हैं। अभी जस्ट ये देखना है कि हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे। मैक्स टू मैक्स शायद मे बी 54 में पहुँचे, काफ़ी अच्छी बात है। एंड अभी के लिए तो मेरे पास डाइनो नहीं है तो हम और बैटल ले नहीं सकते, पर यहाँ पे देख लेते कि हमें कौन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए जैसे आप देख रहे हो मेरे पास कोई मतलब डाइनोस है नहीं, सब डाइनो का पेटी बन गया है तो हम इसमें फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। पर टॉप 5 में है तो शायद इतना इनफ रहेगा टॉप 5 में होल्ड करने के लिए। तो देखते हैं अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट एपिसोड में एपिसोड में भी ये बैटल लेंगे तो अगर डाइनो आया तो वापस, पर देख लेते होता है क्या। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये भी बताना कि आज का जो बैटल्स था वो आपको कैसा लगा। हम लोग ने 3 का 3 ही बैटल सब जीत गए एंड हम लोग टॉप 5 का अराउंड 54 नंबर पे पहुंच गए। 54 नंबर पे पहुंच गए ये काफ़ी अच्छी बात है। पर मुझे नहीं लगता कि ये शेख दार्थ वाला ये इवेंट में भी हम लोग टॉप 1 पे पहुंच पाएंगे, पर एटलीस्ट होप करेंगे कि टॉप 5 का जो रिवार्ड है वो क्लेम करें। तो कोशिश तो जारी रहेगी अगले एपिसोड में भी अगर टाइम रहा तो, नहीं रहा तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।